नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो काल किसे कहते हैं? तो काल का अर्थ था समय, कार्य जिस समय पूर्ण होता है या क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का संपन्न होने का जो समय है उसका ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का संपन्न होने के बारे में जानकारी मिले तो उसे काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो भूतकाल जो कार्य बीते समय में पूर्ण हो चुका है या जो क्रिया बीते समय में पूर्ण हो चुकी है वह भूतकाल कहते हैं। भूतकाल छह प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और है हेतु हेतुमध्य भूतकाल। सामान्य जो भूतकाल है तो सामान्य भूतकाल में कार्य पूर्ण होने के बारे में जानकारी तो मिलती है लेकिन ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कार्य कब संपूर्ण हुआ। यानी कार्य के संपूर्ण होने के बारे में जानकारी तो मिलती है लेकिन कार्य कब संपन्न हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो वो होता है सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल, आसन का मतलब होता है अभी अभी कुछ समय पहले, कि जो कार्य कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है वह कहलाता है आसन भूतकाल। आसन का मतलब कुछ समय पहले, समीप। तो जो कार्य अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है वह कहलाता है आसन भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, यानी कार्य पहले जो संपन्न होने के बारे में जो जानकारी मिलती है वह कहलाता है पूर्ण भूतकाल। कार्य पहले संपन्न होने के बारे में जो जानकारी मिलती है तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये विदित हो कि कार्य है वह भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी समाप्त नहीं हुआ। अपूर्ण भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन वह अभी समाप्त नहीं हुआ तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। तो जो संदिग्ध भूतकाल है इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का वो तो होता है पर कार्य संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है तो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है परंतु कार्य में संदेह प्रकट होता है तो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह उत्पन्न होता है। तो कार्य उत्पन्न होने में जो संदेह होता है वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है कि कार्य अभी समाप्त हुआ या नहीं। हेतु हेतुमध्य भूतकाल, हेतु हेतुमध्य भूतकाल है, इसमें यह ज्ञात होता है कि कार्य पूर्ण कार्य है वो भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं। हेतु हेतुमत जो भूतकाल है उसमें यह था कि कार्य पूर्ण होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। अब है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल में जो कार्य है वो वर्तमान समय में होना पाए जाए तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कार्य का वर्तमान समय में होना पाए जाए तो वह वर्तमान काल कहलाता है। अर्थात इसमें जो कार्य है वो वर्तमान समय में जारी रहता है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है,
बालक, पुस्तक पढ़ रहा है। अक्षित, खाना खा रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कार्य है वो क्या है? वर्तमान समय में जारी है। तो जो कार्य वर्तमान समय में, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य है, वो वर्तमान समय में होना पाया जाए तो वह वर्तमान काल कहलाता है। यानी वर्तमान काल में जो कार्य है वो वर्तमान में जारी रहता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या है? पढ़ना है। और समय किस कौन सा है? राह है। यानी ये जो राह शब्द है ये समय के बारे में जानकारी दे रहा है कि पढ़ने की जो क्रिया है वो अभी जारी है। अक्षित खाना खा रहा है, तो खाना खा, ये जो खा है, खाना खाना है, वो क्या है? क्रिया है। और राह है क्या है? समय के बारे में जानकारी दे रहा है कि अभी खाना खाने की जो क्रिया है वो क्या है? जारी है, हो रही है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का जो काम है वो अभी जारी है। तो वर्तमान समय में जो कार्य के होने के बारे में जानकारी मिले तो वहाँ पर वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, तो यहाँ पर पूजा करने का जो कार्य है वो अभी जारी है, चालू है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब वर्तमान समय में कार्य होने की, जारी रहने की जानकारी मिलती है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। अब जो वर्तमान काल है ये चार प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल चार प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इस प्रकार से आगे समझें कि जो वर्तमान काल है वो चार प्रकार के होते हैं। अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया है वो वर्तमान समय में होने पाए जाए, लेकिन उसका निश्चित समय का बोध नहीं होता है कि क्रिया कब जारी है। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाए जाए, किंतु यह निश्चित नहीं होता है कि वह अभी हुआ है या नहीं। दोबारा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाए जाए, किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो। किसका? निश्चित समय का। यानी कार्य तो जारी है लेकिन उसके निश्चित समय का बोध नहीं हुआ हो रहा है कि वह कार्य हो रहा है या नहीं। तो वह यानी कब पूरा हो रहा है, तो वह कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह गाना गाता है, सुनील पत्र लिखता है। तो ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द जब वाक्य के अंत में आते हैं तो वह कहलाते हैं सामान्य वर्तमान काल के।
उसी प्रकार राम घर आता है, राम घर आता है। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध न हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना तो ज्ञात होता है लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है लेकिन अभी उसका पता नहीं कि वो कब समाप्त हो रहा है, कब पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ता है तो ता है, ती है, ते है, जब ऐसे शब्द इसमें आते हैं ता है, ती है, ते है आदि शब्द जब वाक्य के अंत में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वह गाना गाता है तो गाना गाने का जो कार्य है वो तो हो रहा है लेकिन कब हो रहा है उसके समय का पता नहीं। सुनील पत्र लिखता है तो पत्र लिखने का जो कार्य है वो तो हो रहा है लेकिन कब हो रहा है, अभी हो रहा है या होगा, तो उसके समय का हमें पूर्ण पता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। इसी प्रकार राम घर आता है तो घर आने का जो कार्य है वो तो हो रहा है लेकिन कब आता है, कब आ रहा है, कब, तो उसके समय का निश्चित ज्ञात नहीं है। तो क्रिया का वर्तमान समय में होने का ज्ञात तो होता है लेकिन उसका जो समय है उसका पता नहीं होता है तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण जो वर्तमान काल है उसमें क्रिया का वह रूप जिसे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का जो व्यापार है वो क्रिया के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है कि जो व्यापार है, कार्य है, वो अभी हो रहा है, वह समाप्त नहीं हुआ। सीधा सीधा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्य है वो वर्तमान समय में जारी है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो व्यापार है वो वर्तमान समय में जारी है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, निकिता खाना बना रही है, रमेश पढ़ रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कार्य वर्तमान समय में जारी है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो जो पढ़ने का कार्य है वो अभी जारी है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। निकिता खाना बना रही है तो खाना बनाने का जो कार्य है वो अभी क्या है? जारी है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। रमेश पढ़ रहा है तो
तो पढ़ने का जो कार्य है वो अभी जारी है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है तो अध्यापक के पाठ पढ़ाने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में जारी है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो यह कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि जो कार्य है वो वर्तमान समय में जारी रहता है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ होता है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का मतलब संदेह, यानी जिस कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध कहलाता है, और जो कार्य वर्तमान समय में होने में संदेह हो, जिस कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह हो तो वह कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट हो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। दोबारा देखिए कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह उत्पन्न हो तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कविता, लेख लिखती होगी, कविता लेख लिखती होगी, सोहन घर आता होगा, विद्यार्थी पाठ याद करते होंगे, होंगे। इसी प्रकार से किसान खेत जोत रहा होगा तो संदिग्ध जो वर्तमान काल है, इस संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के व्यापार का होना वर्तमान समय में संपन्न होने का जब संदेह होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के व्यापार में वर्तमान समय में पूर्ण होने में जब संदेह उत्पन्न होता है या वर्तमान समय में होने में संदेह उत्पन्न होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। दोबारा देखिए परिभाषा इसकी, कि क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कविता लेख लिखती होगी, तो जो लेख है, पत्र है, लिखने का जो कार्य है वो कर रही होगी, केवल ये संभावना है कि कार्य वर्तमान में तो कर रही है होगी, लेकिन वो कर रही है या नहीं कर रही है, केवल हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वह कार्य कर रही होगी, तो कार्य करने के बारे में हम संदेह उत्पन्न कर सकते हैं तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब जो कविता है वो लिखने का कार्य कर रही होगी, केवल यह हम संभावित कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो कर रही है या नहीं कर रही है, केवल यह है कि वर्तमान समय में वो कर रही होगी। तो कविता लेख लिखती होगी, तो लिखने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में कर रही होगी। सोहन घर आता होगा, तो केवल ये संभावना व्यक्त की जा सकती,
इस उसके घर आने में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि वह घर आ रहा होगा, आता होगा, तो उसके आने में संदेह उत्पन्न होगा। विद्यार्थी पाठ याद करते होंगे, तो जैसे कक्षा में विद्यार्थी होते हैं तो केवल यह है कि भाई विद्यार्थी पाठ कर याद कर रहे होंगे या करते होंगे, तो उसके याद करने में संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब हो सकता है वो याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यह कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। किसान खेत जोत रहा होगा, तो खेत में कार्य करने वाला जो किसान है वो वहाँ पर है, तो केवल ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वो खेत में कार्य कर रहा होगा, तो उसमें संदेह उत्पन्न होता है, तो वह कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब जो कार्य है वो वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। परिभाषा देखिए दोबारा, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे रमेश शायद लिख रहा है, रमेश शायद लिख रहा है, तो केवल इसमें क्या है संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो लिख रहा है। मैं शायद पढ़ा रहा सॉरी मैं शायद पढ़ रहा हूँ, मैं शायद पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल पढ़ने की संभावना है वो हो रही है। वह आया हो वह घर लौटा हो, तो केवल इसमें वर्तमान समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है कि वह कार्य हो रहा होगा, तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल हो लगता है। अब इसमें संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान में क्या होता है कि संदिग्ध जो वर्तमान काल है उसमें कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह उत्पन्न होता है कि वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसमें जो लिख रहा है रहा है रहा हूँ रहा होगा रही होगी, जब वाक्य के अंत में ऐसे शब्द होते हैं तो वह तो कहलाते हैं संभाव्य वर्तमान काल, और जब लिखती होगी आता होगा ते होंगे रहा होगा, जब वाक्य के अंत में ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसके अंत में ता होगी ती होंगे ते होंगे रहा होगा ऐसे शब्द होते हैं तो वह संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होते हैं, और संभाव्य वर्तमान काल संभाव्य जो वर्तमान काल है उसमें रहा हो रहा है रही है रहा हूँ आया हो टा लोटा हो, जब ऐसे शब्द होते हैं तो वह संभाव्य वर्तमान काल होता है जिसमें कार्य के वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है, और इसमें संदेह उत्पन्न किया जाता है कि कार्य हो रहा होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होते हैं और ये संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्तमान काल है वो चार प्रकार के होते हैं।
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल और संभावना वर्तमान काल। तो जो सामान्य वर्तमान काल होता है उसमें तो क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना तो पाया जाता है, लेकिन उसके कार्य के होने के निश्चित समय का बोध नहीं होता है। यानी कार्य का वर्तमान समय में होने के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसके समय की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है कि कार्य किस समय में हुआ, तो वह कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण जो वर्तमान काल होता है उसमें क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात होता है कि जो कार्य है, क्रिया है, वह अभी हो रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल में कि जो क्रिया है उसका व्यापार अभी हो रहा है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, कार्य में कि क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार है वो अभी हो रहा सॉरी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह उत्पन्न हो, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के संपन्न होने में जब संदेह उत्पन्न होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य जो वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल में कार्य है वो वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं कि जो क्रिया है उस क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, तो वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कृष्णा घर आएगी, इसको सीधे से भी कह सकते हैं कि कार्य का वर्तमान समय में होने की संभावना बनी रहती है तो वह भविष्यत काल कहलाता है। यानी कार्य का आने वाले समय में होने की संभावना होती है तो वह भविष्यत काल कहलाता है। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, सुनील गाना गाएगा, राकेश जयपुर जाएगा। तो इसमें आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह कार्य आने वाले समय में होगा, तो वह भविष्यत काल होता है। जैसे कृष्णा घर आएगी, तो आई नहीं है, अभी उसके आने के बारे में है कि वो आएगी, आने वाले समय में आएगी। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, तो पुस्तक अभी पढ़ नहीं रहा है, वो आने वाले समय में पुस्तक पढ़ेगा, तो उसका पढ़ने का जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा। सुनील गाना गाएगा, तो गाना गाने का जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा। राकेश जयपुर जाएगा, तो जयपुर जाने का जो कार्य है वो भी आने वाले समय में किया जाएगा। इसलिए ये भविष्यकाल के वाक्य होते हैं जिसमें भविष्यकाल में गा गे गी जब वाक्य के अंत में ऐसे शब्द होते हैं तो वह भविष्यकाल कहलाता है। तो दोबारा देखिए, भविष्यकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा,
क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा तो वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल तीन प्रकार के होते हैं, पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है हेतुमद भविष्यत काल। यानी भविष्यत काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो सामान्य जो भविष्यत काल है वो है यह है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में होगा, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे बच्चे खेलने जाएंगे अध्यापक पढ़ाएगा। सुनीता पत्र लिखेगी। तो बच्चे खेलने जाएंगे मैं लेख लिखूंगा। तो बच्चे खेलने जाएंगे, केवल यह है कि खेलने का जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा। बच्चे हैं वो आने वाले या आगे आने वाले समय में खेलने के लिए जाएंगे। तो आने वाले समय में जो कार्य संपन्न होने के बारे में जानकारी मिलती है तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। अध्यापक पढ़ाएगा तो पढ़ाने का जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा। सुनीता पत्र लिखेगी, लिखने का जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा। मैं लेख लिखूंगा तो लेख लिखने का जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा। तो वह सामान्य तो जाएंगे जाएगा लिखेगी लिखूंगा, तो ऐसे शब्द जब वाक्य के अंत में आते हैं तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। तो सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में संपन्न होगा या आने वाले समय में किया जाएगा तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य का मतलब संभावित,
केवल उस कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाएगी तो वह संभाव्य वर्तमान सॉरी संभाव्य भविष्य काल कहलाता है कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए परिभाषा इसकी कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे मैं लेख लिखूं, मैं लेख लिखूं, तो यहाँ पर देखो मैं लेख लिखूंगा तो लिखूंगा आगे आने वाले समय में कार्य करने के बारे में लिखने के कार्य में जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर लेख लिखूंगा तो लिखने का जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा, और संभावित में कि मैं लेख लिखूं तो केवल लिखूं हूँ ऐसा शब्द है तो वहाँ पर क्या होगा, संभावित होगा। यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि कार्य है वो किया जाएगा, और केवल यह है कि मैं लिखूं तो केवल इसमें क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे अनिल घर जाए, अनिल घर जाए, तीसरा है राकेश खाना खाए, तो यहां पर केवल संभावना व्यक्त की जा रही है खाए जाए है, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, तुम पढ़ो तो अच्छे अंक आए, यानी तुम अगर पढ़ो तो कैसे अच्छे अंक आए। केवल ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे आने वाले समय में यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो कार्य के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के होने की जब संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्य काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल। तो हेतु हेतुमद भविष्य काल होता है उसमें क्या होता है कि जो कार्य है उसमें किए जाने के बारे में एक कार्य होकर दूसरे कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना और दूसरा जो कार्य है वो आने वाले समय में या उसी क्रिया के ऊपर निर्भर हो, यानी आने वाले समय में उसी क्रिया के ऊपर, कौन सी क्रिया के ऊपर, जो पहले क्रिया हो चुकी है उसी के ऊपर वो निर्भर हो तो वह हेतु हेतुमद भविष्य काल कहलाता है। दोबारा देखिए इस परिभाषा को, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरा आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरा आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि छुट्टियां होगी, यदि छुट्टियां होगी तो मैं घूमने जाऊं। तो पहला जो कार्य है ये छुट्टियां होगी
ये क्रिया है, और दूसरी है घूमने जाने की। तो एक कार्य समाप्त होकर उसी क्रिया के ऊपर दूसरा जो क्रिया है वो संपन्न होने की जब संभावना व्यक्त की जाती है या उस एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर होती है तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहलाता है। तो इसमें क्या है कि एक कार्य का पूरा होना, कि यदि छुट्टियाँ होगी तो ये कार्य पूर्ण होगा तो उसके बाद ये दूसरा कार्य पूर्ण होगा, और वो कब होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा। तो वह जब ऐसा वाक्य होता है तो हेतु हेतुमत भविष्यत काल का वाक्य कहलाता है। जैसे वह आए तो मैं खाना खाऊं, विद्यार्थी कक्षा में बैठे तो मैं पढ़ाऊं। तो यहाँ पर एक क्रिया संपन्न हो रही है और एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी जो क्रिया है वो उसी पहले वाली क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, और वो कब, आने वाले समय में। भाई एक क्रिया संपन्न होगी तो दूसरी क्रिया उसी के ऊपर निर्भर होती है कि वो कार्य किया जाएगा, तो वहाँ पर होता है हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो इस प्रकार से जो भविष्यत काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य जो भविष्यत काल है वो किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में संपन्न होगा तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। संभाव्य जो भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। हेतु हेतुमत भविष्यत काल में क्या होता है कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा आने वाले समय में जब वो क्रिया उसके ऊपर निर्भर हो तो वह हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहलाता है। इस प्रकार से ये भविष्यत काल तीन प्रकार के होते हैं। तो अपने जो काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये जो तीनों काल है वो भी अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। भूतकाल है वो भूतकाल के छह प्रकार होते हैं या छह भागों में विभाजित है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। वर्तमान काल है वह वर्तमान काल चार प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। तीसरा भविष्यत काल, भविष्यत काल तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो इस प्रकार से अपने जो काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है।